Denomination of notes have created havoc in all over India, where people are standing in long queues for money exchange and not getting time to go anywhere or to watch movies. Rock on 2 was expected to be even a bigger success this time. However, apart from other factors, Denomination acted against the Farhan Akhtar's new film from becoming a success. In fact, the lead actress of the film before the release had shown their concern about the currency change effect on film. जी जरूर, आई थिंक थोड़ी बहुत तो इनकन्वीनियंस होगी, मगर क्या है कि अभी वो स्थिति है तो वो स्थिति है, थोड़ी बहुत तो डिफरेंस होगी. मैं बहुत, मगर एक अच्छी बात यह है कि हम ब्लैक मनी को कर्व करना चाहते हैं, तो इतना नहीं सोचना चाहिए. आई थिंक कल तक लोग जाके बैंक से कुछ पैसे निकाल दें, नए नए 2000 के नोट, और आके रोकन देखें. वेल या अभी आई मीन इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैनिंग करेंसी एंड स्ट्राइट बिफोर अ फिल्म रिलीज कैन बी लिटिल अननर्विंग, बट आई थिंक PVR, Paytm, all the partners of Rockon have done some superb stuff and tried to get the people into the theatres. So I think it's working and ticket sales are happening. So that's great. Now let's see what Mumbai audience had to say about the Denomination effect on the movie. नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ, वहीं पर मूवीज़ जैसा पूरा Rockon माहौल चला हुआ है. Then why we go to theaters जब न्यूज चैनल्स पूरे Rockon बन चुके हैं. तो आपने विथड्रॉ कराया अभी कोई भी Denomination? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मेरे को बहुत डर लग रहा है. 2000 का और 500 का दोनों के नोट, अभी पहले कोई और करवाएगा, हमारी फितरत रहती है पहले कोई और ट्राई करे फिर हम करेंगे. यानी फिल्म अभी आप देखने का कोई प्लान नहीं है? नहीं 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 अभी कोई नहीं है. सर आपका कोई प्लान है? ऑटो देने का किराया नहीं है, फिल्म देखने कौन जाएगा. बिल्कुल अभी बिल्कुल कोई ऐसा सोचा नहीं है फिल्म के बारे में. Rockon 2 फिल्म लगी है वो थोड़ा बदकिस्मत. हाँ उनकी बदकिस्मत ही है, लेकिन फरहान अख्तर बहुत टैलेंटेड है. लेकिन क्या है ना कि उसे भी नहीं पता था कुछ ऐसा होने वाला है देश में, तो वो भी क्या करता बेचारा. Yeah, definitely. जैसे ही हल्का सा बनेगा माहौल तो सबसे पहले Rockon. I don't think so. If it is a good film, people are anyway booking through online या और अगर आप काउंटर पर आके बुक कर रहे हो उनके पास स्वाइप मशीन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डेफिनेटली पढ़ा ही है सर, सिंस वी वर इनसाइड तो हमने देखा कि ओनली 40 पीपल वर देयर, बाकी सारी सीट्स खाली रखी हुई हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, स्मॉल वेंडर्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. हमारी तो ऑनलाइन बुकिंग थी, जो बंदे यहाँ पर 500 का चेंज लेकर आया था उनके लिए बहुत टफ जा रहा था, बिकॉज चेंज है ही नहीं देने को इकोनॉमी में, तो आप लाओगे किधर से. आई थिंक असर तो पड़ा है, डेफिनेटली इफेक्ट तो आया है, पूरी इकोनॉमी पर आया है, तो एंटरटेनमेंट पर भी आई है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ बदल गई ना. आज अगर आपके पास चेंज आप बैंक से ला रहे हैं 4000 रुपीज़ ही आप विड्रॉ कर पा रहे हैं, तो आप 4000 में क्या क्या करना चाहेंगे. डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी होगी आपकी रूटीन लाइफ, एंटरटेनमेंट बहुत बाद में आता है. नहीं पड़ेगा, नॉर्मली फिल्मों का असर पड़ता है, वो ATM स्वाइप करके हम निकाल सकते हैं टिकट. ऑनलाइन टिकट की वजह से इसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ सकता. हाँ नहीं, नॉर्मल जो मिडिल क्लास पीपल रहते हैं वो थोड़े चेंज कर, क्योंकि घर में ज़्यादा प्रीफर नहीं करते ज़्यादा मनी, लेकिन जो फर्स्ट क्लास वाले टिकट देते हैं वो नॉर्मली ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करते हैं. बिल्कुल पड़ेगा यार, ब्लैक मनी का कितना उसमें झोल है, फर्क तो पड़ेगा. आम जनता के पास 500 के 1000 के नोट नहीं है, टिकट खिड़की पर जब आ रहे हैं उनको चेंज नहीं मिल रहा, वो सब जुगाड़ हो रहा है अब मार्केट में. अब तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लोग 25% पे एक्सचेंज कर रहे हैं मनी. कुछ सोल्यूशन, कुछ कितना भी कुछ कर लो, कुछ सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का. आपको ऐसा लगता है फिल्म पर असर पड़ेगा? पड़ेगा हर एक बिजनेस पे. बिल्कुल Rockon 2. अच्छा वैसे टिकट खरीदने पे तो सब स्वाइप करवा रहे हैं यार, सब बुक माई शो पे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जिसको देखनी वो देखेगा यार. 500,000 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मनी का वैल्यू ख़त्म थोड़ी हुआ है, तो दैट्स नो पॉइंट. फिल्म जिसको देखनी वो देखेगा, लेकिन हाँ अगर बिजनेस की बात करें, अगर इन्वेस्टर्स की बात करें, तो ब्लैक मनी एंड ऑल स्टफ फर्क तो पड़ता है. नाउ होपफुली कमिंग डेज विल टेक गुड टाइम फॉर द मूवी. ऑनेस्ट रिपोर्ट.